पे क्या क्या छिड़का हुआ भाई? हमसा ने देखे गाड़ी रोक दी, 10 मिनट में पति लगा ली। गेम है बंदे का, कटी पाड़ी से भाई छठा पति और मौलवी दोस्त। हाँ भाई, मैं हूँ शादाब हुसैन सिद्दीकी और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमजा खान और साकिब भाई। अच्छा भाई, सीन ये है कि हमजा भाई की माशाल्लाह गाड़ी थी जो कि बिक गई है और उसके ऊपर इनको तकरीबन कोई कितने का प्रॉफिट हुआ? 42 मतलब 42,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इन्होंने ये कहा था ये जो प्रॉफिट हुआ इसके 5,000 रुपए मैं आप लोगों को इसकी दावत दूंगा। तो आज हम अहमदा भाई के 5,000 रुपए खर्च करने के लिए निकल गए हैं। अब देखें हमारे नसीब में क्या लिखा है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, डायरेक्शन नहीं मिल रही कि कौन सी जगह पे जाएं जहाँ वीडियो भी बना सके और अच्छा सा आपको दिखा सके क्या चीज़ खानी चाहिए क्या हम खाएं। तो अभी तक ये नहीं पता लग रहा, अभी घूम रहे हैं जरा शहर में कहाँ कहाँ जाना। खैर निकल गए, खैर हम लोग निकल गए हैं, लेकिन कोशिश मेरी तो यही रहेगी कि 5 नहीं तो 4,000 रुपए तक का खाएं। लेकिन अब देखते हैं हमारी नसीब में क्या लिखा है भाई। ये देख ले वीडियो बन गया, अल्लाह की कसम इसने बिकने से पहले ही कह दिया था कि मैं 5,000, बल्कि सौदा मैंने करवाया था, मैंने कहा जरूर था, लेकिन ये लो भाई मैंने, भाई इसकी पोटी निकल गई। अभी तो कहा ही नहीं, कमिटमेंट से मुकर रहा है यार। ये तो जबान करी थी कि जितने पैसे होंगे उसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर 5,000 रुपए आप लोगों के खाने के लिए होंगे, अब ये मुकर रही है भाई। ये देखें कितनी ही कोई गलत बात है, जाली मुल्ला ये है लेकिन मुकर ये गया। तो चले खैर अभी चलते हैं कहीं ना कहीं, देखते हैं हमारे नसीब में कहाँ लिखा है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इसका खर्चा कराएं। हम आ गए हैं बंस रोड और बंस रोड पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या खाया जाए। और जो हमारे साथ आज हमारे मेजबान मौजूद हैं ये भी घबरा रहे हैं, ये तो कह रहे हैं यहाँ पे तो चखने चखने में 2,000 रुपये चले जाएंगे और मेरे पास 1,000 रुपये। तो अब हो सकते हैं हम अपनी अभी जगह चेंज करें। अब यार इससे बोल रहा हूँ यार अल्लाह करे कोई दिखे ही नहीं ऐसी जगह यार, गाड़ी चलती रहे। अहमदा भाई इससे ज्यादा तो मेरा पेट्रोल ही खर्च हो जाएगा यार, यकीन मानो। जाहिर सी बात है भाई, पेट्रोल खर्च होगा तो कुछ खर्च होगा तो कुछ होगा ना, मेहनत करेंगे तो कुछ फल मिलेगा। तो आप थोड़ी हिम्मत करो ना, थोड़ा बढ़ाओ, 3,000 रुपए तक तो आओ। कर ली है अच्छा, घर से नियत करके निकला है। मैं नियत करता हूँ 1,000 रुपए खर्च करने की, मुंह मेरा गाड़ी की तरफ और सीधा खाने के लिए, सीधा खाने के लिए, ये सही है। अरे भाई हम ऐसे ही घूम रहे थे, घूमते घूमते हम सोल्जर बाजार आ गए और यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई बगदादी बीफ यखनी पुलाव, बड़ा रश लग रहा है भाई यहाँ पे रात के स्पैर पे। तो हमने तो कह रहा है यहाँ पे मैं सस्ते में कसम से इसका आज ही सुना था और इत्तेफाक है उसी गली में आ गए कुदरती तौर पे, जिसने बताया उसको तो चेक करो यहाँ पे रुक जाएंगे हम, ना खुश हो जाएगा, सस्ते में निमड़ जाएगा। नहीं बात सस्ते की नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है इस तरह, सस्ते में निमटने की तैयारी है। अब बात ये है कि यहाँ पे गाड़ी कहाँ पे खड़ी करे। और भाई ये रहा बगदादी यखनी पुलाव। अच्छा रश चेक करें, बाइक हो गई, जितनी बाइकें खड़ी हुई ना सारी बाइकें यहीं की है। अब यहाँ चल के देखते हैं, कुदरत ही आए भाई, किसी ने बताया नहीं, हम तो गुजर रहे थे, अब आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा भाई, चेक करें। यहाँ अलग लाइन है, अंदर अलग लाइन है। और भाई हमदा बहुत खुश है और हम पहुँच गए, ज़बरदस्त हो गया जाना। हुसैनाबाद की तरफ निकल गए थे लेकिन ये अभी सोल्जर बाजार वाली पट्टी है, जाना था फिर हमने वहाँ आगे की तरफ, तो यहाँ देखा भाई बगदादी, और हकीकत में नाम जहन में था लेकिन ये बोल भाई ये सोच रहा था सस्ते में निमट जाऊँ, दुआएं पढ़ रहा था, मतलब यू कुछ कर रहा था, पता नहीं क्या पढ़ रहा था। और हम लोग बगदादी पे आ रहे हैं, बगदादी, लेकिन मेरी कोशिश ये है क्योंकि मेरे साथ एक खतरनाक मुल्ला है और आपको पता है मुल्ला लोग कहते होते हैं गाने के मामले में, और इनका हमारा टारगेट ये है कि 2,000 तक लेके जाए खींच के। यार मेरे एक बात है, बगदादी लियारी में मशहूर है बगदादी, चेक करते हैं कि सोल्जर बाजार वाला बगदादी क्या था। ये बात तो आ जाए, चेक करते हैं इनका प्लाव क्या था। चलो भाई लाइन लगी है, तुम भी लाइन में लग जाओ ना जाके। चलो ये भाई लाइन में लग गया, पहले अंदर से जाके बोलिया तुमने, मेरी दो क्या दो 500 वाली, दो भाई 500 वाली, मतलब 1,000 से ऊपर नहीं जाना है तेरा जहन ही यही बना हुआ, अल्लाह माफी दे भाई। ये लाइन में लग गया है लेकिन पहले आपको अंदर जाना पड़ेगा, अंदर से जाके टोकन लेना पड़ेगा। टोकन हमने डायरेक्ट टोकन कराया, डायरेक्ट ऊपर से आ रहे हो, यहाँ भी ऊपर से, अबे यहाँ तो ऊपर से नहीं आया, हम लोग टोकन लेंगे तो फायदा क्या। क्या बात है भैया, चेक करते हैं भाई ये क्या सीन है, ये लाइन लग गई है, पहले दो लाइनें चल रही थी अब एक लाइन है, ये पार्सल वाली लाइन है, अंदर बैठने के लिए आपको टोकन लेके अंदर बैठ के इधर भी कर सकते हैं आप, वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ पे आप बाइक खड़ी कर सकते हैं। चेक कर रहे हैं बाइक, आप क्या कर रहे हैं भाई? खाने आए आज हम अहमदा का माल खाएंगे, क्या बात है। बड़ी मुश्किल से गिरा था तो अपना भाई आत्मा आ गए, इन्होंने दुआ करी थी कि कम से कम खर्चा होगा। भाई असल बात ये है कि इसकी गाड़ी बिके हुए 4 दिन हो गए, 4 दिन पहले इसने कहा था मैं खिलाऊंगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से आज जाके पकड़ाई में आया है। अभी देखते हैं भाई, कोशिश मेरी यही है कि 2,000 तक ले जाए। ये कितने वजन का थाल है भाई? 1.5 पाव। कितने का 1.5 पाव? 210 रुपये। कितनी देर में खाली हो रहा है एक पतीला? 10 मिनट में पतीला खाली।
हमारे बंदे का भी बस नंबर आने वाला है, लाइन में लगा हुआ है। तीसरा नंबर इसका ही है, उसके पीछे देखें वापस लाइन लग गई है, तो तीसरा नंबर हम तक है। आ जाओ, अरे ठोक, अरे ये क्या टोकन, टोकन ले क्या, ये क्या हुआ, ये टोकन इतनी देर से ये लाइन में लगा हुआ था, हम समझ रहे थे ये लाइन में लगा हुआ टोकन लेके, मगर ये गरीब आदमी चाबियां दिखा रहा है और इन्होंने भगा दी। भाई इसको अल्लाह के नाम पे दे दो यार, भाई जान अल्लाह के नाम पे दे दो यार, भाई वो तो बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करा रहे यार, बहुत भारी है भाई ये, बहुत भारी है ये तो। एक काम कर, इनके साथ मिल जा, ग्रुप बना ले, टोकन चाहिए, तारा टोकन, और ये भी खुली हुई आज इधर कर, आज इधर, ये देखिए नादरी चाली अभी खुली हुई है, ये कभी कभार खानी जाएगी। शाबाश, और भाई वाकई में 10 मिनट में अपन का पानी, और अब दूसरे पतीले की बारी है, इसके अंदर कुछ है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, चेक करते हैं कि नया पतीला आएगा या ये वाला खुलेगा। तो खड़े हैं इधर, अलग रेस्टोरेंट है, आते रहते हैं। कैसा लगा आपको आज का? बहुत अच्छा था, जबरदस्त है, बहुत। आपको कैसा लगा? तो खा लेंगे, मैं खिला दे तो हम खा लेंगे, लाइन लगा के ये तो भाई ये तो वही बताएंगे जो ऑनर बैठे हैं। अच्छा अच्छा, आपने खाई कैसी थी भाई? अच्छा टेस्ट, अच्छा टेस्ट, मशहूर बहुत दुनिया, पहली दफा खाने आया। अच्छा, हम भी पहली दफा आए, जबरदस्त जबरदस्त भाई। उम्मत के पास गए, उम्मत से आपने पूछा, उम्मत क्या बता रही है? भाई उम्मत से मैंने भी पूछा तो उम्मत ने माशाल्लाह से ये भाई आए, मैं ये तो बता रहे हैं उनके यहाँ बेटी हुई है माशाल्लाह, तो बोल रहे और इनके दोस्त लेके आए, बोल रहे बगदादी मशहूर है, हमने बगदादी में लेके आया तो यहाँ पे अच्छा। ये भाई इधर बैठे हुए थे, उन्होंने बताया, उन्होंने खाया, उन्होंने बोला भाई काफी अच्छा टेस्ट है और एक नई चीज है जदी, और नाम भी बड़ा नया। कितनी मोटियाँ डाल रहे भाई, एक आधा किलो वाले में चार मोटियाँ बहुत अच्छी आ रही है भाई, ये देखे माशाल्लाह, ऐसे चेक करें, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ बैठ रहा है खा रहा है, अंदर अलग हाउस फुल चल रहा है, अलग हाउस फुल है, ये देखे भाई, ये देखे भाई माशाल्लाह भाई, बहुत सारे लोग आए हुए भाई, क्या बात है भाई, जा रहे जो अच्छा अपनी मदद आपके दादी लेके जा रहे हैं, इतने सारे लोग मौजूद हैं, जहाँ से आ रहा है और खुद जा रहा है, रश बहुत है यार माशाल्लाह, क्या बात है भाई, माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त है भाई, आप बताएं, जबरदस्त बेहतरीन है, वीआईपी है, सही है भाई, ओके जबरदस्त है। हाँ आप पहली दफा आए, कैसा लगा टेस्ट? जबरदस्त, वो जबरदस्त पहली बार है, बड़ा होने वाले हैं, ये क्या चीज है भाई, ये क्या है हमने तो पहली दफा सुना और देखा है, मीठे मीठे चावल मीठा होता है, अच्छा मीठा जर्दा बोले ना जर्दा, ये दुलत्ती है, दुलत्ती नाम है इसका, ये कुछ अलग चीज होगी भाई, जो आपने कहा था 10 मिनट में पतीला खाली, 10 मिनट में पतीला खाली हो रहा है। अब क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ है यार, भाई हमसे पहले आए उनको दे दे यार, हमें कह रहे तो आप लाइन में लगे ना यार, आप लाइन में नहीं लगे हुए, ये चेक करें जो मीठा ये बता रहे हैं क्या, अच्छा इसके अंदर गुलाब जामुन भी है, चमचम है, ये खोए में बना हुआ, खोए में बना होता है, क्या हिसाब है ये, 150 रुपये पाव तकरीबन, ये 150 रुपये का होगा, अच्छा ये हैदराबादी है, ये हैदराबादी, जबरदस्त यार, इसमें क्या क्या डाला हुआ है, ये खोया है, गुलाब जामुन है, बादाम है, पिस्ता है, सब है, अच्छा माशाल्लाह भाई, इसका भी गेम है, ये भी चेक करेंगे, ये देखे 10 मिनट में पतीला खाली और बाकी 10 मिनट में खाली, क्या बात है, एक दिन में कितने पतीला खाली हो रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह मुसलसल हाथ चल रहा है और चेहरे पे इतनी सी भी मुस्कुराहट नहीं है, बहुत सीरियस आदमी है, ये देखिए ये तो हंस रहे हैं, ये थोड़ा बहुत हंस रहे हैं, ये बहुत चढ़ रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है?
थोड़ा सा हंस गए आप भी बस मुझे आपको थोड़ा सा आसाना था, आप बहुत सीरियस चल रहे थे, थोड़ा सा आप मुस्कुराए तो अच्छा लगा यार माशाल्लाह। आप जो है ना वो अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी बात नहीं माशाल्लाह यार गेम है आपका दोनों अच्छे हैं। आपने भी खाया कैसा लगा? दोनों भी अच्छी है। कहाँ से आए आप खाने के लिए? हम बादराबाद से। बादराबाद से आए जबरदस्त यार, कोई लाइन एरिया से आ रहा है, कोई गार्डन से आ रहा है, कोई बादराबाद से कटीपाड़ी से भाई। नहीं यार जबरदस्त, बगदादी का नाम मतलब इतना मशहूर हो गया जबरदस्त भाई। अच्छा भाई जिसकी तरफ से दावत थी उसी को मैंने मोबाइल दे दिया था और उसको मैंने कहा था जहाँ लोगों से रिव्यू ले, मैं तो यहाँ खड़ा हुआ था ये अंदर गया था रिव्यू लेने, लोगों को क्या तासुरा भाई। लोग मैंने भी पूछा कोई कटीपाड़ी से आया हुआ है, कोई भादराबाद से आया हुआ है, कोई लाइन एरिया से आया हुआ है, कोई गार्डन से आया हुआ है, मतलब दूर दूर इलाकों से लोग आए हैं। इसका मकसद ये है कि बगदादी ब्रांड बन गया है भाई, गेम है भाई। और बाकी जो इन्होंने कहा था 10 मिनट में पतीला खाली, तकरीबन हमें 20 मिनट होने वाले हैं यहाँ पे और दूसरा पतीला खाली हो गया। हकीकत है इसमें कोई दो राय नहीं है, और अभी दूसरा तीसरा पतीला आने वाला है, बाकी तीसरा पतीले का वेट हो रहा है, लेकिन लोग ऊपर इसमें क्या क्या छिड़का हुआ है भाई, क्या क्या है, प्याज है और क्या क्या है बताएंगे कुछ, इसमें ऊपर क्या क्या, ऊपर क्या क्या डाला हुआ है, उसकी टॉपिंग चाहिए ऊपर क्या क्या है, मतलब टॉपिंग में ऊपर धनिया प्याज जायफल जावत्री वगैरह काफ़ी आइटम है। चिकना गोश्त कम है इसमें जी, चिकना गोश्त कम है, रिवाज वाला गोश्त होता है माशाल्लाह से, जानवर माशाल्लाह यही करते हैं। अच्छा माशाल्लाह अपने जानवर कटते हैं आपके, क्या बात है। अच्छा भाई अभी अभी पता चला है यहाँ पे सर्विस जो है ना वो सेल्फ, ये तो बताया नहीं हमें किसी ने, ये भी मुझे अभी ऐसे पता चला वो अंदर लिखा हुआ सेल्फ सर्विस, वहाँ से मैंने बड़ा समझ आया, ये बड़ी बात है भाई माशाल्लाह। इसको चेक करें सेल्फ सर्विस अभी कितना ऊपर से आते हैं, अरे भाई ये देखे देखे कैसे भागे, अल्लाह माफी। अबे क्या शादी में खाना खुल गया भाई, वो गेम नहीं होता जो कुर्सी के पीछे घूमेगा। अरे भाई इतनी देर से जगह ढूंढ रहे थे, जगह ही नहीं है, अपने सीन ये यहाँ पे सेल्फ सर्विस खुद बैठना पड़ता है। और भाई फाइनली हमारी पर्ची आ गई, हमदा निमर जाएगा सस्ते में 630 रुपये की, तकरीबन हमने लिए 3 प्लेटें 210 रुपये की, तो आ जाएँ यहाँ सेल्फ सर्विस से, हमने अपनी प्लेट्स खुद लेते हैं और फिर खाते हैं और रिव्यू देते हैं। हमने जगह ये वाली घेरी है, लोग आ रहे हैं लेकिन हमने बता दिया भाई ये प्लॉट बुक है, हमदा गड़ा हुआ है और ये कह रहे हैं तीसरा पतीला भी खाली हो गया, अब हमें वेट करना पड़ेगा चौथे पतीले का। भाई माशाल्लाह चेक करें हमारे सामने इतनी सी देर में 4 पतीले निमट गए, पतीला खाली हो गया यार, क्या सीन है, मतलब हर 10 मिनट 8 मिनट में पतीला खाली, क्या फ्री मिल रहा है, ऐसा ही लग रहा है भाई फ्री मिल रहा है। और भाई फाइनली हमारा गाँव आ चुका है, मतलब मैंने लिया है रिवाज वाला, क्योंकि ये मज़ा आता है गिफ्ट का बोली के साथ, अब चेक करते हैं भाई। पहले भाई हमसे खा रहे हैं, हम तो भाई आज दावत दावत इसकी तरफ से मेज़बान यही है यार, मतलब पहला निवाला लिया है, मज़ा आ रहा है, निवाला लिया है, पहला निवाला लिया है। अबे जाली मौलवी ने भी खा लिया, हमसे मैं तो सच्चा सच्चा बताता हूँ, ये लोग हो सकता है कैमरे के सामने झूठ बोलते हैं, जैसा होगा वैसे बताऊंगा, पहले उसको अंदर इंशा अल्लाह गेम है बंदे का, लेकिन चावल के अंदर ना मुझे थोड़ी सी कसर लगी है, चावल में थोड़ा सा गेम कम है, बाकी इसको खाते हैं कंटिन्यू करते हैं गरम गरम आगे चल के बताते हैं। और भाई अब आ गई है इसकी प्याज, हैदराबादी प्याज, ये चेक करें चेक करें, इसका गेम है भाई प्याज मेजबान ने अपने हाथ से डाल रहा है यार, ये क्या बात है, ये मेजबान ने नहीं, वाह मेजबान वाह 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 वाह, ये है भाई हैदराबाद यार, ये खा तो रहे कुछ खिला भी दे भाई, मसाला भी खिलाएंगे ना आपको। अरे एक और पतीला आ गया हमदा, अबे भाई क्या हो रहा है, अबे भाई ये क्या हो रहा है, करे भाई पतीले पे पतीले, एक और पतीला और उम्मत आई जा रही है और जाए जा रही है। और भाई कैसा है, बढ़िया बढ़िया, कैसा है प्लाव, कैसा है बेहतरीन आला। ये हमारा खाना चल रहा है और लाइन चेक करें यार, चेक करें, ये लोग भी बेचारे परेशान हो गए, क्या परेशान क्यों हो गए,
लाइन देख के रश इतना है यार माशाल्लाह। अबे भाई बहुत उम्मत आई जा रही है, ऐसा लग रहा है फ्री में मिल रहा है। बहुत उम्मत आ रही है। अच्छा वो सारे अपने उसमें लगे हुए, और ये देखें ये अपने उसमें लगा हुआ, अपनी मस्ती में लगा हुआ, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यार अच्छा बना हुआ यार, जो बात है गेम है भैया, गेम है, मजा आया बेहतरीन। वाली मोटी कैसी आई है ये। और भाई मिर्चे इतनी है, स्पाइसी इतना है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं था। अच्छा भाई सिलो सिलो खाना पड़ रहा है, हमने तो माशाल्लाह निपटा ही दिया, इतनी स्पीड में हो गई है। अच्छा भाई हालत ये हो गई है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया, खत्म हो गया, काली खा बंद कर लाओ है वर्क है, लेकिन इतना कोई हाथ नहीं है, इतनी हाइप जितने इतने लोग रेस्ट लगा के खड़े हुए खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो लग रहा है ना, इतना जो लोग शौक से खा रहे हैं, बीफ पुलाव थोड़ा सस्ता दे दो, इसलिए लोग आ रहे हैं। सस्ता भी दे रहा है और गरम मसाले की इतनी मार है कि खाते ही ना, गले पे लग रहा है, तकरीबन 200 रुपए कितने का दिया देगा, 200 रुपए का साल, 200 रुपए का बीफ साल दे रहा है, इसकी वजह रश निकाल पीछे गल के रश। ये रश जो है ना, ये 200 रुपए का जो पुलाव दे रहा है, इसकी वजह से वर्थ है, कोई इतना खास नहीं है, लेकिन एक दफा ट्राई करने जैसा है। मतलब एक होता है ना वो चीज़ होती है, आप बार बार आए, बार बार कहें यार मुझे ये खाना है, मुझे खाना है, ऐसा है, लेकिन गरम मसाला बहुत ही जिसकी वजह से सुना जाता है। अभी इसका मीठा भी जो है वो अभी ट्राई करते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा है। और भाई पुलाव का हो गया एंड, और ये सेल्फ सर्विस हमारा आ गया, मीठा लेके आया, मीठा मीठा हुआ है, मीठा लिया है भाई, तीन बच्चे दो गुलाब जामुन, चमचे से नहीं हाथ से खाएगा, ऐसे खा लेती है, देखिए खा के देखा, खा के देखा, गुलाब जामुन खा रही तो होगी, मैं देखिए ये खाना भाई क्या कर रहा है, फटाफट खा, खा के देखा, मुल्लाओं को मीठा बहुत पसंद होता है, ऐसा लग रहा है खोया खा रहा है, खोया खा रहा है, बेकार है, थर्ड क्लास फारिग है। अच्छा भाई मीठा में बिल्कुल उन्होंने फारिग कर दिया, लेकिन यहाँ जो बराबर में पुलाव चल रहा है, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ भाई कैसा है पुलाव, बेहतरीन है, क्या बात है, मैं अब मेरी बारी है मीठा खाने का। मीठे का जो इसने नाम बताया था, मैं नाम भूल गया, नाम बहुत खतरनाक बताया था, ये बताया था कि वो हैदराबादी है, इन दोनों ने तो इसको बारीक कर दिया। मैं अच्छा दिखने में जो है ना, दिखने में भी मज़े का लग नहीं रहा, खा के देखते हैं क्या पता कोई गेम हो। कोई का मजा आ रहा है चावल में, और क्या चाहिए यार, वो जो मीठे चावल, या शायद ही कोई ऐसा मौलवी आपने आज से पहले देखा हो जो मीठे की तारीफ नहीं कर रहा हो ना, मीठा और मौलवी ऐसे दोस्त हैं आपस में, ऐसे ये क्या बात है, मेरे हिसाब से मीठा ये सही नहीं है। नहीं यार मुझे अच्छा लग रहा है यार, और क्या चाहिए, खोए का मज़ा आ रहा है, मतलब आप खोया खा रहे हो इतना, मतलब आपने सीधा जलने वाले आइटम खाए उसके बाद आपको खोए का ये मिल रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से पुलाव ज़्यादा बेहतर ही है। और भाई यहाँ अभी हमारा मीठा चल रहा है, और सीन ये है कि यहाँ पे कौन सा वाला पतीला खाली हुआ है, छठा पतीला माशाल्लाह यार, चेक करें, मीठे का भी हो रहा, मीठा यार आला है यार, मीठा मैंने खाया, मतलब यार ये है यार, देखे माशाल्लाह, मतलब क्या करें यार, वो सामने उसका किचन है, वहाँ से वो लोग लेके आते हैं, चले अभी एक और पतीला लाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। और भाई जिस शाकार का इंतजार था वो शाकार आ चुका है, यानी कि पतीला आ गया, करीब से लेके गया लोगों को दिखाने वाला पतीला, दो वाली आधा किलो वाली, ये इनकी रमजान की टाइमिंग है, ये इनकी रेट लिस्ट चेक करें, 210 रुपए का ये पुलाव दे रहे हैं, और ये इस चीज पे खास, अरे भाई अब जा रहे थे, जाते जाते फिर मैंने कहा थोड़ा से शॉर्ट्स ले ले, मतलब पतीले आ रहे हैं और अभी पतीला खत्म हो गया, तो फिर भाई एक और मतलब माशाल्लाह 6 पतीले खत्म हो गए थे, अब 7वें पतीले का वेट हो रहा है, तो चले जाते जाते आपको 7वां पतीला भी दिखा दूंगा। और ये रहे लोग, और ये हम सारे देखे गाड़ी रोक दी, बोला पतीला आ रहा है, गाड़ी रोक दी, सातवा आ गया, अबे भाई क्या बात, अबे भाई माशाल्लाह पतीले पे पतीले आए जा रहे हैं, चेक करें भाई चेक करें, रश देखे यहाँ तकरीबन अभी कोई 2 बजने वाले होंगे, रश चेक करें, अभी 1 घंटा हो गया, वाह
और ये लाइन लग गई है, सातवां पसीना खुल गया है और हमारी बारी हो गई अब जाने की। अच्छा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खा लिया और खाने के बाद अब हमारी बारी आ गई जाने की। तो भाई सीन ये था मेरी तरफ से, फ्लावर नॉट बैड, पाव अच्छा है लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी है। स्पाइसी के वजह से इन्होंने गर्म मसाला मारा हुआ। सेकंड बात ये है, तो इन्होंने मुझे बताया, वो कह रहे यार गर्म था, गर्म की वजह से भी लगा। वहाँ की जितनी तेज़ी में आ रहा था बहुत ज़्यादा स्पीड थी। और जो मैंने मीठा खाया, मीठा बहुत मज़े, मुझे पुलाव से ज़्यादा मीठा अच्छा लगा, क्योंकि मीठे के अंदर हम जब भी इसके एक बाइट ले रहे थे उसके अंदर खोया आ रहा था। तो आपने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा मौलवी देखा होगा जिसको मीठा पसंद नहीं है। मेरी तरफ से मीठा आगे मेरे को नहीं समझ रहा, बहुत अच्छा था। अपनी अपनी पसंद है, क्या बता भाई। लेकिन खैर एनीवे हमारी तरफ से नॉट बैड, बहुत अच्छा था, आप लोग आइएगा। अच्छा लोग पूछते हैं जगह गए, जगह गए, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी पिन डाल दूंगा। गोलघर बाजार जो बिल्कुल मेन रोड है ना, ये जो नुमाइश के पीछे से जहाँ से जब आप आते हैं, तो ये रोड के ऊपर ही लगा हुआ। हमें भी इत्तेफाक नजर आ गए, हम तो कहीं और जा रहे थे। खैर हमदा भाई की तरफ से आज की दावत थी, तो अलहमदुल्ला खा लिया। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तो भाई को दुआ में याद रखेंगे जब तक।